कोई जरूरी नहीं कि आप 25 मौलाना बुलाइए, 25 शायर बुलाइए और पूरी रात जो है उल्टी छुरी से लोगों को जबा करते रहिए, कोई जरूरी नहीं। अजाने फजर तक जलसा करना ये कौन सी दानिशमंदी है? मार मार करके अम्मा के नाम सुभान अल्लाह बोलिए ना, अपने पीर साहब के नाम बोलिए ना। अबे मरा जा रहा है बंदा, कब तक बुलवाएगा भाई साहब? ये जरूरत क्यों पेश आई? अफसोस ये है कि मुल्की पैमाने पर हम यही महसूस कर रहे हैं कि हर इलाके में हमारी कौम इसी मर्ज में मुब्तला है और हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं मेंबरे नूर पे माशाल्लाह रौनक अफरोज, ये अगर कोई मरीज शुगर का पेशेंट है तो उसको थम्सअप पिलाते हैं, कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसे चर्बी की बूटी खिलाते हैं, नहीं जल्दी मर जाएगा। एंटीबायोटिक दवा देने से बेहतर है जहां जख्म है वहीं पे पट्टी बांधी जाए और मवाद निकाल करके ढंग से इलाज किया जाए। आज भी कौम दीन की बात सुनने को तैयार है, हमें बदलना। बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, अमीस हो गए दास्तां कहते कहते। हम भी कभी कभी ये बड़की टोपी उतार करके ऐसे घूमते हैं पब्लिक के बीच में, तो लोगों की राय भी मुझे मालूम पड़ती है कि आखिर क्या वजह है कि जलसा लोग देखने आते हैं। लोग अपना इजहार राय किया करते हैं ना, अक्सर बेशतर अक्सर इलाकों में लोग पहचानते नहीं, अब लोग तो पहचान भी लेते हैं, यूट्यूब पे ज्यादा देख लिया है ना तो पहचान लेते हैं। वैसे अक्सर लोग पहचान नहीं पाते, घूम टहल के देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ लोग क्या कह रहे हैं। जिस तरह से रूह निकालने के बाद जब जनाजा लेके चलते हैं तो एक फरिश्ता रूह लेकर के कब्रिस्तान तक उस जनाजे के साथ चलता है, तो जो लोग आसपास में टिप्पणियां कर रहे होते ना, अच्छा हुआ मर गया और जल्दी मरना चाहिए, कोई कह रहा है या ठीक आदमी था, तो फरिश्ता उस रूह से कहता सुन ले तेरे बारे में क्या क्या टिप्पणी लोग कर रहे हैं, सुन ले। तो वो टिप्पणियां सुनने के लिए कभी हम कौम के बीच में जाया गया कि हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं। सिर्फ टोपी बड़ी लगाने से हम बड़े नहीं हो जाएंगे, हमें अपने बड़प्पन का इजहार करना होगा, हमें उस दर्द को महसूस करना होगा कि क्या वजह है। साल के 365 दिन हम सुन्नियों के पूरे मुल्क में हजारहा हजार जलसे होते हैं और जलसों पे अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं, रिफंड क्या है, क्या मिलता है हमारे जलसों से? नारे तकबीर शमसुद्दीन कादरी जिंदाबाद, नदीम फैसी जिंदाबाद, नकीबे इस्लाम जिंदाबाद, सब मुर्दाबाद। अगर हमारे जलसों से कौम को कुछ नहीं मिलता है तो सब मुर्दाबाद हो, सब बदलो इस तर्ज जिंदगी, वरना फिर आप ही अकेले मैग लेके खड़े रहेंगे, कोई नहीं आएगा। हाँ, इसलिए कि यूट्यूब पर तकरीरें भी एक से एक धमाका खेज मौलाना लोगों की हैं और एक से एक बुलबुल तोता मैना की नातें भी माशाल्लाह है ना, उसी में लोग सुन लेंगे, बस कोई नहीं आएगा यहाँ बैर करके प्लेटफॉर्म जमाने के लिए, कोई नहीं आएगा। इससे पहले कि ये दिन आए और ये हालात देखने को हमें मयसर आए तो हमें सुधर जाने की जरूरत है। दुरुशी पढ़ लीजिए ताकि मैं तकरीर शुरू करूं। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये सोचते हो हमने तुम्हें ऐसे ही पैदा कर दिया, हमने तुम्हें
यूं ही पैदा किया है, किसी काम के लिए नहीं। क्या तुमने ये सोच रखा है? وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम पलट कर मेरी तरफ नहीं आओगे? अल्लाह ने जो कुछ पैदा किया है किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है, किसी न किसी काम के लिए पैदा किया है। सिर्फ खाने पीने के लिए और सीना फुला के चलने के लिए और भैंस की तरह मटकाने के लिए, बिल्डिंग बना के सोने के लिए अल्लाह ने इस काम के लिए हमने पैदा नहीं किया हमको। हमारी पैदाइश का कुछ ना कुछ मकसद है, वो मकसद भी रब ने बयान फरमाया, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, हमने तुम्हें ऐ इंसानों और जिन्ना तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह की रोजी सुबह से शाम तक खाने वालों, चाय नाश्ता पकौड़ी गुलाब जामुन काजू कतली रोटी मुर्गा कोरमा बिरयानी तीतर बटेर और बड़े मियां छोटे मियां सब खा जाने वालों, और अपने टंकी पे हाथ फेर करके दकारें लेने वालों, अल्लाह की रोजी ठूस ठूस के खाने वालों, कितनी मरतबा तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते? कितनी मरतबा? अभी मैं एक मस्जिद में हजरत की नमाज पढ़ने गया, मगरिब की नमाज, नकीब इजलास साहब, एक सफ में गालिबन मेरे अनुमान से 20 नमाजी आते हैं, 20 से 21, तो एक सफ तो पूरी थी, और दूसरी वाली सब में 3 बच्चे थे और 4 बड़े थे। ये कुल मताए जिंदगी थी आज के मगरिब की नमाज में अल्लाह के घर में। जिन्नातों के लिए मस्जिद बनाई है। शिकवा ये है कि इस इलाके में वहाबियत बहुत फैल रही। अबे सुन्नी लोगों, तुम मर गए तुम लोग, अल्लाह के घर को तुम आबाद नहीं करोगे तो वहाबियत नहीं फैलेगी। किसके लिए मस्जिद बनाई? 25 मस्जिदें सुन्नियों की हैं इस इलाके में लगभग, और 3 शैतानों से डर रहे हो? सिर्फ 3 शैतानों की? क्यों डर रहे हो? इसका मतलब आप खुद कमजोर हैं, आप नमाजी मुसलमान नहीं हैं, बेनमाजी मुसलमान। आप खुदा के घर को आबाद नहीं करते हैं, आप अपने आप को एज ए मुस्लिम कौम के सामने पेश करने को तैयार नहीं है। क्या फर्क है तुम्हारे अंदर कुफार और मुशरिकीन? क्या नबी ने नहीं फरमाया एक काफिर और मोमिन के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज का है? लगे हैं लाइन में, पीर साहब पीर साहब पीर साहब, ओ मरीज साहब, साहब के सब मरीज हैं, सब मरीज। इतने मारे जाओगे अल्लाह की बारगाह में, सारे पीरों और सारे मुरीदों सुन लो, अपनी सोच का किबला ठीक कर लो। किबला किसी की कब्र में कोई पीर नहीं आएगा, अल्लाह की कसम कोई पीर नहीं आएगा। है कोई माइक हलाल? प्रूफ करे मुझे। हदीस शरीफ में सिर्फ इतना आया है, कब्र में सरवरे कौन आए और मुनकर नकीर आए। किसी पीर का कोई जिक्र वो कर नहीं कि पीर साहब आएंगे, तो अगर किसी खुशफहमी में लोग मुब्तला है कि पीर साहब हमको हर कब्र में आ जाएंगे, तो इस धोखे में मत रहना साथियों। कुछ आमाल कर लो ताकि पहली मंजिल में जब जाने आलम से मुलाकात का शरफ अता हो तो चेहरा शर्मिंदगी का शिकार ना होने पाए। इबादत, अल्लाह ने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया है, मकसद के लिए पैदा किया है। तुम्हारी पैदाइश का कुछ ना कुछ मकसद, और मकसद और एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़्वा। अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया और तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि तुम हुक्म देते ही रहो, खुद तन मार के सो 9 बजे तक। घर वालों को नमाज का हुक्म दो, तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहो। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है।
बेटे सर का पसीना पैर तक आ रहा है, क्या बताएं इमाम साहब, छुट्टी नहीं मिलती नमाज की, ठूस ठूस के खा रहा अल्लाह की रोजी, नमाज की छुट्टी नहीं मिलती, कमाई कर रहा है मरा जा रहा है, नमाज के लिए तेरे को छुट्टी नहीं मिलती है। बोले क्या, बोले यहाँ ज्यादा बिजी रहता हूँ, मसरूफियत रहती है तो नमाज के लिए छुट्टी नहीं मिलती। मुझे बताओ अगर आपको बिल्कुल बड़े ऐसे माहौल में जब बहुत ग्राहक मौजूद हो आपकी दुकान पे और अचानक तेज से पेशाब का खाना लग जाए तो क्या पैंट शरीफ में ही फारिग हो जाएंगे? बोलिए ना, क्या पिजामा खराब कर लेंगे या छुट्टी लेके जाएंगे बाथरूम में? अरे भाई साहब थोड़ा रुकिए ना, भाई साहब थोड़ा रुकिए ना, जा रहा है तो बाथरूम में क्या रहे हैं? तो जब तुम बाथरूम जाने के लिए वक्त निकाल लेते हो और तुम्हारे रास्ते में ये बिजनेस आड़े नहीं आता है तो मुझे बताओ नमाज जैसी बंदगी के लिए तुम वक्त कैसे निकाल रहे? या नमाज का ठेका देवबंदियों को दे दिया आपने? जो नमाज पढ़े वो देवबंदी, जो ना पढ़े वो टनाटन, जो फातिहा करे वो सुन्नी, जो ना करे वो देवबंदी, जो मजार पे जाए वो सुन्नी, जो ना जाए वो देवबंदी, जो चादर चढ़ाए वो सुन्नी, जो ना चढ़ाए वो देवबंदी, जो खूब कव्वाली करे नाचे गाए ढोल बजाए वो सुन्नी। लोगों ने कहा अरे हम ढोल नहीं बजाएंगे, तब क्या बजाएंगे? तेरी ढोल दुनिया बजाए। मुहर्रम आता है तो देखिए ना, कूद कूद के ढोले बजाते हैं बेटे। जिस मर्दूद को नमाज का ढंग नहीं आता है वो कूद के शैतान बन जाता है। ढोल बजाओ, ढोल नहीं बजाएंगे तो वहाबियत की मुखालफत कैसे हुई? तो सुन्नियत और वहाबियत का फर्क तुमने ढोल को बना लिया है। नारा मसलक आला हजरत के ज़बान पर है और काम ढेले का नहीं है। क्या इमाम अहले सुन्नत कोई नमाज छोड़ी थी? क्या ताजु शरिया ने कोई नमाज छोड़ी थी? क्या मखदूम सिन्ना ने कोई नमाज छोड़ी थी? कितने बड़े नमक हराम लोग हो तुम, नमाजें नहीं पढ़ते हो? कितने बड़े बदमाश हैं हमारे सुन्नी मुसलमान? खुदा की रोजी खाने में कोई शर्म नहीं आती? कौन सा मुंह दिखाओगे मरने के बाद अपनी कब्रों में? हुजूर रहमत आलम को और हश्र के मैदान में अपने रब को, परवरदिगार को कौन सा मुंह दिखाओ? इतने फितने जने कितने, पूछो मत। अगर बाजाबता एक रिकॉर्ड किया जाए, कलम दवात लेके बैठा जाए कि कितने फितने हमारे सुन्नियों में, मैंने सुना माशाल्लाह ये इलाका आलिमों की खेती होती है। बहुत ज्यादा मौलाना लोग, मुफ्ती लोग, अल्लामा लोग, फहामा लोग, फिर काम क्यों नहीं होता भाई साहब? काम क्यों नहीं होता? काश तो बहुत होती उलमा, काम क्यों नहीं होता? इसका मतलब हम कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर है। हमें से हर कोई इस ख्वाहिश में रहता है अगर हमारा कद ऊंचा हो जाए, हम बड़के मौलाना और तुम छोटके मौलाना, हम बड़का पीर और तुम छोटका पीर, हम मुफ्ती आजम इस इलाके के, हम काजी शहर इस इलाके के, हमारी मानो और हमारी अगर आप मानते हैं तो आप किसी की मत मानो जो अल्लाह रसूल कहते हैं उसकी मान लो। इस टोपी का ऊंचा होना अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मैं इस टोपी के बराबर ऊंचा मैं भी हूं, ये कोई जरूरी नहीं। हमें से हर शख्स को रोज सोते वक्त अपने आप के बारे में गौर करने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि आज की आखिरी नींद मौत की शक्ल में तब्दील ना हो जाए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चुमी गोयम मुसलमान बलरजम कि दाना मुश्किलाते लाए लारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मेरा जिस्म कांपने लगता है, इसलिए कि मुझे पता है मुसलमान बनने के बाद क्या जिम्मेदारी मुसलमान की होती है। शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान हुआ, गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं। भाई साहब आपसे ज्यादा गोश्त तो वो खाते हैं जो जंग रोज करते हैं गोश्त के नाम।
इन्होंने ही गोश्त महंगा किया है। दिल्ली में हम बैठे थे एक होटल में, तो दो चार बंदे आए, हाथ में कड़ावड़ा पहने थे दूसरी बिरादरी के। तो कहा वो वाला गोश्त है कि नहीं है? नाम नहीं लेना बेटा, बोलो वो वाला नली नली, वो वाला गोश्त है कि नहीं? तो गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं है, हलाल खाने वाले का नाम मुसलमान है। जो गोश हराम पैसों से परवान चढ़ता है उसे जहन्नम में जाने से कोई बचा नहीं सकता, ये नबी का फरमान। चटनी रोटी खाओ, सूखी रोटी खाओ, हलाल से अपने बच्चों की परवरिश करो, मगर हराम के करीब मत जाओ। इसलिए सूखी रोटी अगर हलाल की है तो अल्लाह ने बड़ा बड़ा दम रखा है उसमें, इतना दम है कि एक इब्राहिम कंदूजी ने सूखी रोटी का टुकड़ा चबाकर मोइनुद्दीन चिश्ती के मुंह में डाला था ना, तो हिंदुस्तान का वो अमीर कारवा बन गया। सूखी रोटी थी ना उनकी तबीयत में इब्राहिम कंदूजी के, चबाया मुंह में, कहा बेटे मुंह खोलो मोइन, उनने मुंह खोला, दिलों की दुनिया तहो बाला हो गई, फिर अताए रसूल बन के हिंदुस्तान। तो हलाल रोजी में दम इतना है, पावर इतना है। साहबा हलाल रोजी खाते थे, मक्का और मदीना की सरहदों से निकले, उस दौर की सुपर पावर ताकतों को पैरों से रौंद कर रख दिया। कैसर और किसरा, जैसे आज अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, इजराइल, जैसे आज पावरफुल है ना, सुपर पावर ताकतें, ऐसे उस दौर की ये सुपर पावर ताकतें थी कैसर और किसरा। मगर हुजूर के गुलामों ने फटे हुए कुर्ते पहने थे, पेबंद लगा हुआ था, जूतियां फटी हुई थी, तलवारें संगालूद थी बजाहिर, सूखी रोटी खाते थे, लेकिन जब उन्होंने कदम उठाया, हिजाज से बाहर कदम निकाला, तो कैसर और किसरा की आबादियों को रौंद करके इस्लाम के चिन्ह पे लाके खड़ा कर दिया। हमारे आका ने फरमाया था, इज़ा हलका किसरा फला किसरा बादहु, वइज़ा हलका कैसरा फला कैसरा बादहु। जब किसरा हलाक होगा तो कयामत तक कोई दूसरा किसरा नहीं पैदा होगा, जब कैसर हलाक होगा कयामत तक कोई दूसरा कैसर पैदा नहीं होगा। मैंने देखा है किसरा के उन खंडरात को सलमान फारसी के मजार के पास, जिस कैसर किसरा के खंडर को, उस दौर के महल को मुसलमानों ने रौंद कर रख दिया। आज तो हम पूरी दुनिया में एक दो नहीं, ढाई अरब की तादाद हमारी है भाई, पूरी दुनिया में इंसान 7.5 अरब की तादाद में है, जिसमें 2.5 अरब सिर्फ मुसलमान, यानी दुनिया का 1/3। दुनिया का हर पांचवा व्यक्ति मुसलमान, मगर हर पांचवा मुसलमान दलाल है, मुखबिर है, खबरी है, चमचा है, एक चाय पे बिक जाएगा होटल पर, सुबह को पी शाम को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत। ये कंडीशन हमारी है, और फिर भी हमें ये फख्र है क्या मुसलमान है। न ढंग का मदरसा हमारे पास, न ढंग के स्कूल हमारे पास, न कोई कॉलेज हमारे पास, न कोई यूनिवर्सिटी हमारे पास। जुब्बा बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह, टोपी बड़ी बड़ी सुभान अल्लाह, कुर्ते चमा चम चमक रहे हैं, बूट में पॉलिश लगी हुई है, सर से आते हैं सर से जाते हैं झुंड ले करके, तुम वहां से नारा लगाना मेरी तकरीर में, तुम वहां से लगाना, तुम वहां से लगाना, ताकि मेरी जिंदाबाद हो जाए। ये मैच फिक्सिंग चल रही है, जिसकी बुनियाद पर लोग हमारे जलसों में नहीं आ रहे, इसलिए लोग जलसे में नहीं आते। हमारे जलसों में क्वालिफाइड इंसान नहीं आता है, ग्रेजुएट इंसान नहीं आता, डॉक्टर नहीं आता, इंजीनियर नहीं आता, लॉयर नहीं आता। कौन आता है? किसान आता है, भैंस चराने वाला आता है, हाथ गाड़ी खींचने वाला आता है, रिटायर्ड आदमी आता है, फुटपाथ पे बैठा हुआ, वो चल कुछ देखते हैं, कुछ देर देख लेंगे, कुछ देर सुन लेंगे और फिर चले आएंगे। ये लोग आते हैं, क्रीम तबका हमारे यहाँ नहीं आता।
क्यों नहीं आता? इसलिए कि हम अपनी कौम को कुछ देते नहीं। या तो पीर के नाम पे लड़ा देंगे या मैक पे लड़ते रहेंगे कि मैक पे नमाज जायज है कि ना जायज, इसी पे लड़ते रहेंगे। ये कोई अकीदे का मसला है? अभी हम मैक से ऊपर नहीं उठे, दुनिया कहां जा चुकी है। हदीस शरीफ में कहीं इसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये मुफ्तियों के फतवे, किसी मुफ्ती ने नाजायज कहा, किसी ने जायज कहा है, तो इसके लिए तुम मौलवी लड़ रहे हो। इन्हें हमारे पीर साहब ने कह दिया तो हम यही मानेंगे। कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है मुझे बताए तो। मैं अपनी नमाज पढ़ना नाजायज, जितनी नमाज पढ़ी सब दोहराई जाए। अगर खुदा करे, खुदा हजार बार अपने कर्म से ये कर दे, हर महीने तैयबैन में सुन्नियों की हुकूमत कायम हो जाए। अरे आमीन तो कर दो यार। हाँ, अगर कायम हो जाए बगैर मैक के, आप जरा मुक्तदियों और इमाम का सेटलमेंट करके बता दो। हटा दीजिए मैक को, तो इमाम सलाम फेर के जा चुका होगा अपने हुजरे में और मुक्तदी अभी पहली रकात के सजदे में बावले हो गए हो। फलाने हजरत ने फरमा दिया, फलाने हजरत का इरशादे गिरामी वकार है। जब बड़े हजरत हमारे पीर मुफ्ती आजम हिंद अली रहमत थे, उन्होंने माइक पर नमाज को नाजायज लिखा, तो मुफ्ती अफजल हुसैन साहब किबला ने उसी वक्त माइक पर नमाज को जायज लिखा। वो भी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मदरसे में पढ़ाते। लोगों ने कहा हजरत इनको निकालिए मदरसे से, आपके खिलाफ फतवा दिया। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया ये मेरी तहकीक है, वो उनकी तहकीक है, खत्म हुई बात यार। यहाँ बेटे मरे जा रहे हैं। नहीं, मैं कोई नमाज पढ़ाने वाले के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। मत पढ़ बेटे, ऐसे ही कितना पढ़ता है। सुन्नी सिर्फ जुम्मा पढ़ने आता है, वो भी दो रकात। जब से ये अहले हदीस, अहले खबीस बिरादरी पैदा हुई है ना, आमीन। बगैर टोपी के, कभी कभी कुर्ता भी नहीं पहनते, बनिए नहीं निकाले, और टांगे ऐसी फैलाएंगे नहीं हूं। इस उंगली छुटकी वाली उंगली से दूसरे के छुटकी वाली उंगली से मिलाते, एक इससे मिलाते, और टांग में इतनी जगह हो जाती तो भैंस भी निकल जाए, भैंस का बच्चा तो निकल ही जाएगा उसके टांग से। मैंने कहा बेटे नमाज पढ़ के ऐसी हालत बता दे, तेरी टांग ही चिर जाए। रुकू सजदा करने का वक्त आता है तो झट से यूं कर लेता है, फिर यूं कर लेता है। तो सर्कस करने आते हो, नमाज पढ़ने आते हो? जब से ये बेईमान कौम पैदा हुई, वहाबी और देवबंदी अहले खबीस, तब से पूरी दुनिया में मुसलमान जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो। जब तक हम थे और सिर्फ हम थे, अल्लाह की इज्जत की सवार कसम, हम इसको दलील से साबित करेंगे। जब तक तुर्की वालों की हुकूमत सुन्नियों की थी, पूरे हिजाज पे मजार थी, किसी माई के लार के अंदर हिम्मत थी जो आग का के देखता मुसलमान। पहला दलाल पैदा हुआ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, अहले खबीस का परदादा, लकर दादा, पकड़ दादा। इस कुत्ते ने पूरे अरबस्तान को टुकड़े टुकड़े में बंटवा के रख दिया। और आज कौम के सामने आए जी हम तो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, बेटे तूने छोड़ा क्या है जो इत्तेहाद की बात करने आया। 150 साल पहले का दो ही दुनिया का माई का लाल वहाबी देवबंदी, अपना रिकॉर्ड तो बता दे। इस नाम की कोई छुपकली भी नहीं थी, दुनिया में कोई छुपकली भी नहीं थी। अगर कोई था, हम थे, सिर्फ हम थे, कोई नहीं। पर ये निकले कहां से? निकले कहां से? ये आसमान से बारिश की तरह बरसे नहीं है, जमीन से पौधे की तरह उगे नहीं है, तो कहां से निकले हैं? ये हमारी ही जमात से निकले हैं। इसलिए कि हमने नमाज छोड़ दी, रोजा छोड़ दिया, इस्लाह आमाल छोड़ दिया, फिर हमारी जमात से एक एक निकलते रहे, वो निकलते रहे और हम उनको निकालते रहे। हमारे पास दाखिला का रजिस्टर नहीं है, खारजा का है। हाँ,
ये सुला कुल्ली, ये मसलक का बागी, ये दीन से खारी, तेरे बाप का इस्लाम है। सिर्फ खाजा करते हो। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत फाजले बरेलवी फतावा रजविया शरीफ में नकल फरमाते हैं, आपका फरमान मौजूद है, नरमी के जो फवायद हैं वो सख्ती के नहीं है। अगर कोई आदमी मुजब्जब है तो उसे प्यार से समझाया जाए, हो सकता है उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो सकता। और ये हमारी बात तो छोड़िए, अल्लाह खुद फरमाता है, हजरत मूसा पैगंबर को, हजरत हारून पैगंबर को हुक्म दिया जाओ फिरौन के पास, इज़हबा इला फिरौन इन्नहु तगा फकूला लहू कौलन लय्यना लअल्लहू यतज़क्करु औ यख्शा। ए मूसा जलाली पैगंबर, तुम और अपने भाई हारून को ले लो, दोनों चले जाओ फिरौन के पास, इस हवा इला फिरौन। क्यों चले जाओ? इन्नहु तका, वो सरकश हो गया, बागी हो गया है, खुदा बन बैठा है, सजदे करवाता है, अपने आप को अल्लाह कहलवाता है। जाओ तुम दोनों उस बागी के पास चले जाओ, क्या करने जाकर अल्लाह वहां पे, रब ने क्या कहा? फकूला लहू कौलन लयना, जाओ मगर उससे बहुत नरमी से बात करो, कम से कम कुरान की जबान तो सीख लो यार। फकूला तुम दोनों कौलन, फकूला लहू कौलन लयना, तुम दोनों उससे बात करना, बड़ी नरमी से बात करना। क्यों? लअल्लहू यतज़क्करु औ यख्शा, हो सकता है वो अल्लाह से डरने लग जाए और नसीहत पकड़ ले। और हमारे यहाँ, अबे खबीस, अबे मर्दूद, अबे जहन्नमी, ये लो फतवे झाड़े कर रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा निकला है तो 1 लाख मार दिया जाए, खड्डे में जाए। तो दाखला रजिस्टर बनाइए, दाखला खारजा नहीं। कैसे लोगों को घेर करके लाया जाए मसलक के दायरे, कैसे लोगों की इस्लाह की जाए। उसके अलावा अल्लाह का और फरमान सुनिए, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, उठाइए 14वां पारा। अल्लाह की तरफ बुलाओ लोगों को हिकमत की बात करके, अच्छी नसीहत की बात, बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। अगर कभी बहस की नौबत आ जाए, वजा दिल हूं बिल्लती ही अहसन, अगर बहस की बात आ जाए तो जो सबसे बेहतर तरीका है उस तरीका का सिलेक्शन कर ले। ये अल्लाह फरमाता है। क्यों? अल्लाह इरशाद फरमा, इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली, बेशक तुम्हारा रब जानता है कि कौन उसके रास्ते से गुमराह हो जाएगा। वहुवा आलमु बिल मुहतदीन, और अल्लाह ही जानता है किसे हिदायत मिलने वाली है। हम क्या, हमारा बाप किसी को हिदायत नहीं दे सकते। हिदायत देना बंदों का काम नहीं है, हिदायत देना नबियों का काम नहीं है, हिदायत देना रसूलों का काम नहीं है। इसीलिए रब ने फरमाया अपने महबूब को मुखातब करके, हमारा नबी बहुत ज्यादा मुतफक्किर था, चचा अबू तालिब ईमान नहीं ला रहे हैं, कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, जहन्नम में जलाए जाएंगे, तो हुजूर बहुत मकमूम रहा करते थे, बहुत पसंद थी ये बात कि मेरा चचा ईमान ले आए। अल्लाह ने फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबबता, मुस्तफा तुम जिसे पसंद करते हो उसे अल्लाह हिदायत दे, कोई जरूरी तो नहीं। जी पढ़िए तो कुरान, जब हिदायत देना हमारे नबी की जिम्मेदारी नहीं है तो हम कहां पगलाए फिर रहे हैं, मार मार के हिदायत दे रहे हैं। हिदायत के दो तरीके हैं, इरादतुत तरीक और इसाल अल मतलूब। उलमा जानते हैं, शरह तहजीब में इसका पूरा बयान मौजूद है। रात तरीक किसे कहते हैं? रास्ता बता दो। अभी जिसके मैं खाना खा के आया हूँ, खेरा हुआ था, क्या नाम उनका? हाँ, मुजफ्फर आज साहब, अल्लाह जजाए खैर दे, बड़ी मेहमान नवाजी की और बड़ा आपने माशाल्लाह इत्तेमाम किया, और अल्लाह उन्हें बरकत फरमाए और सादतों से माला माल फरमाए, और आप सबको भी। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई मुजफ्फर साहब का मकान किधर है, तो मैं बताऊंगा इधर से भी आया हूं, ऐसे जाइए, यूं जाइए, ऐसे गली में, दो गली में, तीसरी गली में, यूं घुस ये मकान आ जाएगा। इसे कहते हैं इरादतुत तरीक, रास्ता बता देना
और यहीं से हाथ पकड़े नकीब इजलास साहब आपका, चलिए हम आपको उनके मंजिल तक पहुंचा देते हैं, उनके घर पे एक गली में घुमाते घुमाते उनके घर पे पहुंचा दिया। इसे कहते हैं ईसाल मतलूब, इरात उत्तरी ईसाल मतलूब, ईसाल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रब की है, रास्ता बताने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारा काम है रातों तरीके भाई साहब, ये इधर ये रास्ता ठीक है, ये गड़बड़ सड़बड़, इधर चोर रहते हैं, इधर ठीक ठाक आदमी रहते हैं, इधर जाओगे तो बगीचे में पहुंच जाओगे, इधर जाओगे जहन्नम में कूद जाओगे। तो हमारा काम रास्ता बताना है, पकड़ करके आपको ले जाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बल्ले हु अन्नी वालो आया, नबी फरमाते हैं तुम अगर एक बात जानते हो तो पहुंचा दो लोगों को, यही तुम्हारा काम है। इसीलिए हर मौलाना तकरीर खत्म करके कहते वमा अलैना इल्लल बलाग, जो हम पर हुक्म था वो हमने तुम तक पहुंचा दिया, खत्म हुई बात। ये है असल बात। आज हमारे यहाँ अक्सरियत इस चक्कर में लगी, हम हिदायत देके दम लेंगे, मार मार के हिदायत, कोई हिदायत किसी को नहीं दे सकता मेरे साथ, हिदायत अल्लाह देता है। दिलों का फेरना बंदों का काम नहीं है, वो मुकल्लिबुल कुलूब की जात अल्लाह की है जो दिलों को फेरती है। वो चाहे तो शराबी को एक पल में नमाजी बना दे, वो चाहे तो बेनमाजी को एक पल में जन्नत का मुसाफिर बना दे, वो चाहे तो जुआ खेलने वाले को हज्जे बैतुल्लाह की सादत बख्श दे, और वो चाहे तो बड़े बड़े नमाजियों की पकड़ कर ले तो एक झटके में उठाकर पटक दे, उसके दस्ते कुदरत की बात। हमेशा हर बंदे को अल्लाह के रहमत की तलब में लगे रहने की जरूरत है। अल्लाह जैसे मुझसे बन पड़ा मैंने तेरी बंदगी की, मेरी जंबीले हयात में कोई नेकी कोई सजदा तेरे दरबार में पेश करने के लायक नहीं। अल्लाह का वादा, हमारे पास कोई नेकी नहीं है जिसको हम मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकें ये अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक। हर नेकी फसाद नियत का शिकार है। उस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में जब हमारे पास कोई एक नेकी भी उसकी शान के लायक नहीं है तो किस बात पर फूले नहीं समाते, इंशाल्लाह हमें जन्नत में जाएंगे। क्या कहते हैं हमारे सुनी लो, इंशाल्लाह हमें जन्नत में जाएंगे। अब्बा की जागीर है क्या, वहां वरासत बनती है कि हम ही जन्नत में जाएंगे। काम जन्नत के करते नहीं और दावा इतना पावरफुल है हम ही जन्नत में जाएंगे। किस चीज पर तकिया है ओ माधो मधोपुर के लोगों, किस चीज पर भरोसा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। हशर के मैदान में तेरी औलादें तेरे बच्चे तेरे माल तुझे कुछ भी फायदा नहीं देंगे, फायदा तो वो देगा जो सलामती का दिल लेके जाएगा। टटोलो अपने दिल, कभी ये दिल सूफिया संवारा करते थे, पीराने तरीकत कभी ये दिल संवारा करते थे, अब दिल तो कम संवारते हैं बिल्डिंग ज्यादा संवारते हैं। वो जो बेचते थे दवाए दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। बहलोल दाना ने बगदाद में दज्जा के रेत पर घरौंदा बना के जन्नत बोल के जुबैदा के हाथ बेच दिया था तो परमानेंट जन्नत की मालिका जुबैदा बन गई। आज बहुत सारे डींगे मारते हैं पीर साहब जन्नत में, उस पीर से खुद ही पूछ लो तेरे पास टिकट है जन्नत का जिसके चक्कर में पड़े हुए हो। अच्छा अजीब हैरत की बात है साथियों, अम्मा अब्बा घर में बुड्ढे बुड्ढा मौजूद है उनकी तो परवाह ही नहीं है, और पीर साहब आ जाए ना तो पूरे मधुपुर में नाचेगा बेटा, पीर साहब जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद। पगला कहीं का कुरान में माँ बाप का, हदीस में माँ बाप का हक अल्लाह रसूल ने मंसूस फरमाया है। وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا। तुम्हारे दोनों माँ बाप यानी माँ और बाप दोनों अगर बूढ़े हो जाए या दोनों में से कोई एक बुढ़वा हो जाए ना तो अल्लाह फरमाता है इन्हें उफ मत कहना, इन्हें झनकना मत, इनसे बात करने की जरूरत पेश आ जाए तो बड़ी नरमी से बात, बड़ी नरमी। और यहाँ जैसे बेगम घर में आ गई ना
तो तिरछे देखता मर्दूद माँ बाप। उधर आने वाली मुहतरमा भी पिन मारती रहती है इस बुड्ढे बुड्ढे को, उधर जहां बकरी बांधी जाती वहां सुलाओ, या खांस खांस के नींद हराम कर रहा है। अब तो बाजाबता ओल्ड हाउस में माँ बाप को दाखिल किया जा रहा है। काश यही काम अगर माँ बाप करते तो शायद तुम तुम्हारी शादी भी नहीं होती। पूछो उस माँ से जिसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा है, अगर 7 मरतबा पैदल माँ को कंधे पे बिठाकर हज कराने वाले सहाबी माँ के उस हक को अदा न कर सके जिस वक्त माँ के पेट में थे, एक झटका जो लगा था हमल के अय्याम में, और वो जो तकलीफ माँ को पहुंची थी, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबी तेरे 7 साल के हज जो तूने माँ के कंधों बिठाकर माँ को हज कराया ना, उस एक झटके का बराबर बदला नहीं हो सकते। क्या समझते हैं आप? खून पसीना एक करके माँ बाप बच्चों को पालते हैं। हज जवान हो गए तो बेटे समझते हैं ये यही है, बड़ी तिरछी नजरों से माँ बाप को देखते हैं। हमने देखा बहुत सारे बुढ़े और बुढ़ी माँ और बाप को, वो बाप बच्चों के खिदमत के मुस्तहिक तो हैं, मगर वो माँ बाप की खिदमत नहीं करते। और पीर अगर आ गया ना बेटा, वो हफ्ता भर नाचता रहता पीर के पीछे, उसका जुतवा ऐसे ले रहता है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कसम खुदा के इतने मारे जाओ वो पीर भी इतना कूटा जाएगा, शक्ल बिगड़ जाएगी। माँ बाप तेरी खिदमत के मुस्तहिक घर में करा रहे हैं और तू है पीर की जूतियां उठा के नाचता फिर, क्या तुझे पता नहीं है? और वैसे करनी ने माँ की मोहब्बत में मदीने आने की जुर्रत ना करी, क्या तुम्हें पता नहीं? जब मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि मेरा एक ऐसा नादीदा आशिक है जिसकी दुआओं की बरकत से मेरा मौला मेरी उम्मत के पापियों और गुनहगारों को कबीले रबिया कबीले मजर के भेड़ों के बाल के बराबर बख्शेगा। साहबा ने पूछा वो कौन है? वो मेरा एक नादीदा आशिक है जिसे ओवैस कहते हैं, कर्ण में रहने वाला है। अच्छा, हुजूर ने कहा साहबा ये मेरा पेरहन है, जब्बा शरीफ है, ये ले जाना उनको दे देना, उनसे कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। तेरे मुकद्दर के कुर्बान ओवैस इमामुल लंबिया तेरे पास अपना पैरहन भेजता है और इस इल्तिजा के साथ कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर। मौला अली और हजरत उमर फारूक आजम लेके आए तो देखा वो जंगल के किनारे जो है, पता पूछते पूछते ओवैस किधर रहता है, लोगों ने कहा अरे वो पगले की बात कर रहे हैं। क्या कहा लोगों ने? पगले की बात कर रहे हैं। वो लोगों को रोता देखता तो हंसने लगता, हंसता देखता तो रोने लगता। अरे जाओ जाओ उधर तुम जंगल में पड़ा होगा। दोनों गए तो देखा वो नमाज पढ़ रहे थे और फरिश्ते उनकी बकरियां चरा रहे, फरिश्ते उनका रेवड़ चरा रहे। सलाम फेरा, जाके पैरहन पेश किया, कहा हुजूर ने आपको सलाम कहा और आका ने फरमाया है कि मेरा पैरहन पहन करके मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। तो उन्होंने वो पैरहन लिया, एक टीले पे गए उधर रखा और दुआ के लिए हाथ उठाए रब के दहलीज़े करम पे, मौला तेरे महबूब का वास्ता उनके पैरहन का वास्ता महबूब की उम्मत को बख्श दे। दुआ मांगते रहे, उम्मत बख्शी जाती रही, बख्शी जाती रही, बख्शी जाती रही, इतना बख्शा इतना बख्शा इतना बख्शा, मगर वो मांगते रहे मांगते रहे। इतने में हजरत अली और हजरत उमर सामने आ गए तो उन्होंने चेहरे पे हाथ फेरा और कहते हैं कि अगर आप लोग बीच में ना आ गए होते, अल्लाह कसम जब तक पूरी उम्मत को बख्शवा ना लेता ये जुबा नहीं। सोचिए और 100 बार सोचिए। पूछा जब सहाबा ने क्या हुजूर वो आपके पास आए हैं क्यों नहीं आए? एक बूढ़ी माँ है, उस माँ की खिदमत करने वाला कोई दूसरा नहीं है, तो अपनी माँ की खिदमत करने में उन्होंने अपना वक्त गुजारा, इसलिए हमारे करीब वो हमारे पास नहीं आए, मगर ख्वाब में कई बार उन्होंने मेरा दीदार किया। अर्ज करने का मतलब ये है अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज कि मदीना वो आ सकते थे मगर माँ की खिदमत की बुनियाद पे मदीना नहीं गए। पता है सहाबी बनना कितना बड़ा मकाम रखता है,
साहबी किसे कहते हैं? अल्लाह कसम ये मनसब रुपए पैसे नमाज रोजे हज ज़कात से नहीं मिलते हैं। लाखों साल की कोई उम्र पा जाए और 24 घंटे सजदे में सर रखे फिर भी सहाबी के रुतबे के बराबर पहुंचना दूर की बात। सहाबी ने एक मुट्ठी जौ जो अल्लाह की राह में खैरात किया है उसके सवाब के बराबर नहीं पहुंच सकते। क्यों? इसलिए कि सहाबी कहते किसे हैं? सहाबी कहते हैं उसे जिसने ईमान की आंखों से हुजूर के जमाले जहां आरा को देखा हो उसको सहाबी कहते हैं। कोई शख्स अगर लाखों बरस की उम्र पा जाए और सजदा करे तो किसी सहाबी के बराबर क्यों नहीं पहुंच सकता? इसलिए नहीं पहुंच सकता। हजरत अल्लामा अहमद सईद काज़मी ग़ज़ाली दौरा इरशाद फरमाते हैं कि एक झलक नबी के रुखे ज़ेबा को ईमान की नजर से देखने में जो अल्लाह ने सवाब रखा है वो लाखों बरस की इबादत में सबसे बड़ा है। ये सहाबियत का रुतबा है। एक सहाबी जिसने कलमा पढ़ा हुजूर का रुखे ज़ेबा देख करके और एक भी वक्त की नमाज पढ़ने का मौका उसे नहीं मिला मगर जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाएगा इसलिए कि नबी का सहाबी है। अल्लाह के नबी फरमाते पूरी कायनात में जितने अच्छे लोग थे मेरे रब ने उन अच्छों को मेरा सहाबी बनने का चरम। तो अर्ज में कर रहा था अल्लाह ने हमें और आपको यूं ही नहीं पैदा किया खामखा। आप से नहीं ही पैदा हो गए, खाएंगे पिएंगे बच्चों की शादियां कर देंगे और फिर उसके बाद घर बना के दे देंगे और फिर मर जाएंगे। इस मकसद के लिए नहीं पैदा किया अल्लाह ने। अल्लाह फरमाता है ला नसअलुका रिज़्क़ा, हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया। नहनु नरज़ुकुक, रोजी हम तुम्हें देंगे। वल आक़िबतु लित्तक़्वा, परहेज़गार बन जाओ, नेकूकार बन जाओ। रोजी कमाने से नहीं मिलती है, ये भी दिमाग से कीड़ा निकाल देना। अगर कोई ये सोचे कि मेहनत से रोजी मिलती है तो मेहनत से रोजी नहीं मिलती है। अगर मेहनत से रोजी मिलती तो उसूल ये कहता है कि मजदूर ज्यादा मालदार होना चाहिए। इसलिए कि बेचारा इतनी मेहनत करता है सर का पसीना पैर तक आता है, डूबा रहता था है, 68 घंटा ड्यूटी करता, शाम को 400 रुपए 500 रुपए दिहाड़ी पाता है और सेठ साहब मौज से बैठते हैं ऐसी की तैसी लगा करके कमरे में। एक को ढेला की मेरे बेटा नहीं करता है मगर पैसा ज्यादा वो कमा रहा है। पता ये चला रोजी मेहनत से नहीं मिलती है, रोजी मुकद्दर से मिलती है। अल्लाह फरमाता वला उबसत अल्लाहु रिज़्क़ा लिबादिही लबगौ फिल अर्ض ولكن ينزل بقدر ما يشاء। अगर अल्लाह बगैर अंदाजे की रोजी देना शुरू कर दे ना तो जमीन का निजाम डिस्टर्ब हो जाएगा। बंदे जितनी तेरी कदर है ना अल्लाह तेरी कदर के मुताबिक तुझे रोजी देता है। बंदो रोजी के लिए परेशान मत हुआ करो। आज की तारीख में जो रोजी अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिख दी है किसी का बाप उसमें से एक पैसा कम नहीं कर सकता और किसी का बाप एक पैसा ज्यादा नहीं दे सकता है। रोजी की गारंटी रब ने ली है। वमा मिन दाबतिन फिल अर्ض इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलम मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। जमानत रोजी की रब ने ली है तो हम क्यों परेशान हो यार? अरे यार कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे? इतने छोटी छोटी चींटियों को भी अल्लाह रोजी देता है, कीड़े मकोड़ों को रोजी देता है। ऐसे ऐसे कीड़े तशरीफ लाते हैं बारिश हो जाए ना तो उनके रुखे ज़ेबा को देखने के लिए दूरबीन लगाना पड़ता है। इनका हुस्न जमाल कैसा, हुस्न जमाल कैसा है, इनका मुंह शरीफ कहाँ है, इनकी आंखें किधर हैं? जब दूरबीन से देखेंगे छोटकी वाली जो सरसों नहीं होती राई उससे छोटे छोटे कीड़े, मगर एक हाथी में जितने सामान है उतना सामान उस कीड़े में भी है। क्या निजामे कुदरत है यार। फतबारक अल्लाह हसनुल खालिकीन, इसी को तो कहते हैं तखलीक करने की जिम्मेदारी रखी है, समझ रहे हैं? तो अल्लाह जब इतने छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को रोजी देता है, हम तो माशाल्लाह 6 फीट के, वो भी अशरफुल मखलूकात,
ولقد كرمنا بني آدم کا تاج سر پہ اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اتنی خوبصورت 14ویں کا راز شرما جائے کیا ہم کو اللہ روزی نہیں دے؟ کم از کم اس کی بات مان کر تو دیکھو نا یار, اس کے قریب آ کے تو دیکھو. جب پورا گھر سو جائے نا تو چپکے سے اکیلے اٹھو, مسلح بچھاؤ, وضو کرو اور مسلح پہ سر رکھ کر کے شرمندگی کے کچھ آنسو گرانا شروع کرو. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو ٹپکے میری ارتھی انفعال کے. دوستو کپڑے گندے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہم دیکھتے ہیں روز کپڑا گندا ہو جاتا ہے, ایک دم سفید سفید جبا پہنے ہیں ندی جسم, پان بھی ماشاءاللہ کھاتے کبھی کبھی کھا لیتے. اگر پان کھانے کے بعد کوئی ایک چھینٹ جو ہے سرسوں کے دانے کے برابر اس دبے شریف پہ پڑ جائے, ان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا دوسرا رنگ کا. ہاں تو بار بار یہ ٹھیک نہیں لگتا. ارے یار کہاں سے لگ گیا, ایک چھینٹ ہے. لیکن جتنا صاف یہ جبا ہے کیا اتنا ہی صاف ان کا یا ہمارا دل بھی ہے؟ جتنا صاف کپڑا ہم پہنتے ہیں کیا اتنا صاف ہمارا دل بھی ہے؟ جی نہیں. کپڑے گندے ہو جائیں تو اسے دھلا جاتا ہے, لیکوڈ کا استعمال ہوتا ہے, سرف لگایا جاتا ہے, آلہ لگایا جاتا ہے, گھاس لیٹ کی بولے ٹپکائی جاتی ہے, نیمبو کی عرق نچوڑے جاتے ہیں تاکہ داغ مٹ جائے, دھبے دھل جائیں. اگر کپڑوں پہ دھبا لگ جائے تو اتنے سارے سامان لگتے ہیں دھبا دھلنے کے لیے, داغ زائل کرنے کے لیے, کیا دل گندا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. تو دل گندا ہو جائے تو اسے کیسے دھلا جائے؟ یہ دوا کوئی مولوی نہیں بتائے گا, یہ دوا صوفی بتاتا ہے. لیکن صوفی کوفی نہیں. ہاں جو ٹھیک ٹھاک صوفی ہو. ابھی بہت سارے صوفہ سٹ بیٹھے پھرتے ہیں, کچھ کمینے ایسے ایسے, ایک وقت کی نماز پڑھ لو فرصت, ایک ٹائم کی نماز پڑھ لو, ایسے ایسے پیر حرام الدہر لگ رہے پوچھو مت, ایک نماز پڑھ لو ختم ختم, ساری نمازیں ختم. ابھی میں گیا تھا ایم پی کے علاقے میں تو ادھر بھی ایسے شیطان پیر موجود ہیں اور ہماری قوم کے نوجوان کو بڑھیا پیر ملا ہے, خدا کی ایک کو نماز نہیں پڑھنی, ایسے پیر سے مریض ہو ملش کہیں کہ نماز نبیوں پہ معاف نہیں ہوئی, ہمارے پیغمبر پہ چھ وقت کی نماز فرض تھی, تہجد کی بھی نماز. تم کہتے ہو کہ ایک وقت نماز پڑھ لو پھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسا شخص پیر نہیں, شیطان ملعون راندے درگاہ ظالم خبیث کمینہ ہو سکتا ہے, پیر نہیں ہو سکتا. اس لیے ایسے کمینے اگر تمہارے علاقے میں پائے جائیں ان کو دور سے دھتکار کر کے اپنے محلوں سے بھگا دینا. پتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے, کتے پناہ مانگتے ہیں بے نمازی سے. ہلو ایک وقت نماز پڑھ لو فرصت ہے, ایک بار وضو کر لو فرصت ہے. ارے واہ بھائی کمال, کیا لاجک تمہاری ہے؟ اللہ نے پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے, ایک وقت کی نہیں. کم از کم یہ تو پوچھو اس پگلے سے, اس جس کا بھیجا خراب ہوا ہے نا, اس پاگل سے پوچھو کہاں لکھا ہے تو اسی لال کتاب تیرے پاس آئی جس میں ایک وقت نماز ذکر ہے؟ قرآن میں تو پانچ کا بیان موجود ہے, حدیث میں پانچ کا بیان موجود ہے, تشریحات جو قرآن کی آیتوں کی پانچ نمازیں ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور نماز کیسے پڑھیں, آقا فرماتے صلوا کما رایتمونی وصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا دیکھو. نماز حضور نے پانچ وقت کی پڑھی, تہجد بھی پڑھتے تھے آپ, صحابہ نے بھی پانچ پڑھی تہجد پڑھتے تھے. ہم نے کوئی بھی پیر جو مسلمان ہو اس پیر کو پانچ وقت سے کم نماز پڑھتے نہیں دیکھا. اب کوئی نئے نئے پیر نکل رہے بیٹے
जिनको नहाने का पता नहीं है, वजू का पता नहीं है, हलाल हराम का पता नहीं है, और वो ऐसी नमाजें पढ़ते हैं, एक वक्त पढ़ते हैं और अपने मुरीदों को तलकीन करते हैं एक वक्त की नमाज पढ़ना, तो ये खुद जहन्नम में जाएगा, तुम्हें भी जहन्नम में लेके जाएगा। दूसरी बात, अभी मैं खाना खाते फारिग हुआ तो मालूम ये हुआ कि यहाँ पर मुहर्रम के मौके पे अखाड़ा खेला जाता है। अखाड़ा, हमने कहा और क्या होता है, बता क्या, ढोल बजाते हैं ढोल। मुझे बता तो यार ढोल बजाने का रीजन क्या है, मैं भी समझ जाऊं कि माधोपुर के लोग, मधोपुर के लोगों ने ढोल बजाने की हिकमत समझाई नहीं, क्यों बजाते, कहीं लिखा हुआ है तो बता दो, किसी बुजुर्ग ने बजाया है तो बता दो। क्या कहते हैं, अरे हम इसी मौके में ढोल बजाते हैं, अखाड़ा निकालते हैं, तो इसके जरिए से गैरों पे मेरा रोब जमता है, रोब जमता है। सहाबा सिर्फ नमाज पढ़ते थे और ईरान, रूम, इराक, शाम की गली कूचों से गुजरते थे ना, तो 100-100 किलोमीटर दूर, 500-500 किलोमीटर दूर के कुफार कहते थे, अरे मुसलमान आ रहे हैं, अरे मुसलमान आ रहे हैं, अरे रस्सा लगाओ, अरे रोड़ो, अपने आप को बचाओ, मुसलमान आ रहे हैं। उठाओ किताब पढ़ो ना, वो ढोल नहीं बजाते थे। जब रुस्तम ने अपने कमांडरों से पूछा आखिर क्या वजह है, हमारे फौजी अच्छा खाना खाते हैं, तलवारें मजबूत हैं, नेजे भाले परचम बल्लियां मौजूद हैं, शानदार घोड़े हैं, जरे और खुद मजबूत टाइप के हैं, ये दूर और अपने मुल्क में है, मुसलमान दूसरे मुल्क से आया है, खाने के लिए ढंग से रोटी इनके पास नहीं है, पहनने के लिए ढंग का कपड़ा इनके पास नहीं है, तलवारें भी ठीक ठाक इनके पास नहीं है, खुद और जरे भी इनके पास ढंग की नहीं है, क्या वजह कि मुसलमान हमारा मुल्क फतेह करता जा रहा है। तवज्जो है, उसके कमांडरों ने क्या जवाब दिया था कि जनाब आला अगर जान बख्शी जाए तो बताऊं, कहा तुम्हारे जान की अमान दी जाती है, कहा सुनिए हमारे फौजी जब फौज के कमांडरी कर रहे होते हैं, मैदान जंग में लड़ रहे होते हैं, तब वो फौजी दिखाई पड़ते हैं, और जब छुट्टी मिलती है तो वो अय्याश होते हैं, शराबी होते हैं, जिनाकार होते हैं। का मुसलमान की कैफियत क्या है, का मुसलमान जब मैदान कारजार में होता है तो गाजी होता है, घोड़े पे सवार होता है, और रात आती है तो मुसल्ले पे सवार होता है। हमारे फौजी डींगे मार रहे होते हैं और मुसलमान फौजी सजदे में सर रख करके सुभान रब्बी अला का लाहूती नगमा बला बता रहा होता है, बोल रहा होता है, और ये कह रहा होता है अल्लाह जो फतेह दी है तूने, तेरी इस नेमत का बहुत बड़ा शुक्रिया। और हम किसी की हम चली नहीं आज तक, गुरूर और घमंड को त्याग पत्र दे दो साथ। मधोपुर के लोगों, जो बड़े बुजुर्ग यहाँ के हैं, उनसे कह दो कि तुम इज्जत के साथ नौजवानों की सरपरस्ती करो, अगर तुम्हें कोई सदारत मिल जाए, खजांची साहब बन जाओ, सेक्रेटरी साहब बन जाओ, तो पगलाओ मत। हमारे सबसे बड़ा आलमिया यही है, वो भी उसके बोलने चालने का, उठने बैठने का अंदाज और लबो लहजा बदल जाता है, ऐसे ऐंठ के चलता है कि इसको देखो मर्दूद, अभी इसको पैरालिसिस होने वाला है, ऐसे चलता है। मैं सदर हूँ, सदर, मैं सेक्रेटरी हूँ। कब तक रहोगे, 80 साल की उम्र पाली तुमने, 60 साल की, 70 साल की, जो टोटल लेके अमाउंट आए थे उतना माइनस कर दो, 80 में से 90 में से उतनी बचा जितना बाकी है, अपनी नजरों के सामने अपने बच्चों की कमांडरी करके ऐसे अफराद तैयार कर जाओ, जाके तुम मरो ना, तुम्हारी आंखें बंद हो तो अपने रब के दरबार में तशक्कुर इम्तिनान के आंसू बहाते हुए मरो, अल्लाह तेरा शुक्र है हम मर तो रहे हैं लेकिन हमने अपना सच्चा जानशीन कौम के खिदमतगार पैदा करके छोड़ा। ये बड़ों की जिम्मेदारी है कि अपने नौजवानों की तरबियत करें।
और नौजवानों की जिम्मेदारी है अपने बड़ों की रहनुमाई में काम करें। आका फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलायसा मिन्ना, जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, मेरे आका फरमाते हैं वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं। इसलिए बड़ों तुम पहले छोटों से प्यार करो, तब छोटे तुम्हारी इज्जत करेंगे। हाँ, इस चक्कर मत रहो कि हम प्यार तो नहीं करेंगे, पहले ये लौंडे आ जाए हमारे सामने और उसके बाद जब हमारी जय जयकार कर लेंगे तभी हम मानेंगे। नहीं, छोटों से प्यार कीजिए पहले, तब फिर वो बड़ों की इज्जत करेंगे। समझ रहे हैं? जिंदगी गुजार रहे हैं तो खैरियत से गुजार, एहतसाब कीजिए। आज दिन भर में नेकियां तुमने कितनी करी, गुनाह तुमने कितने किए, एहतसाब। और कभी भी इख्तलाफी मसले में अपने आप को दाखिल मत करना। नाराए तकदीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सऊद आलम साहब किबला, शायरे इंटरनेशनल हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला, नाराए तकदीर, नाराए रिसालत। बैठिए बैठिए, 15 मिनट और। मैं अर्ज कर रहा था साथियों, कभी इस चक्कर मत पड़ना, फलाने मुली साहब ने, मुफ्ती साहब ने, अल्लामा साहब ने फरमा दिया मैं एक पर नमाज जायज नहीं है। क्यों ना जायज है? फरमाने इलाही है, फरमाने रसूल है, यानी मुफ्ती आजम हिंद का फतवा। तो और बहुत सारे मुफ्तियों का फतवा है कि मैं एक पर नमाज जायज है। जैसा कि मैंने कहा, अजमेर शरीफ का उर्स होता है, उर्स के अय्याम में अगर जुमातुल मुबारक आ जाए, कोई मुफ्ती कोई अल्लामा उसको रस्सी में बांध करके बड़े गेट के सामने बुलंद दरवाजे पे बांध दो, उसको उसको कह दो आज जुमा की नमाज में मुकब्बिर खड़ा करके आज जुमा के नमाजियों को मैनेज करके आप बताओ। जब यहां नहीं कर सकते हम, और खुदा अगर तौफीक दे दे मक्का मदीना में सुन्नियों की हुकूमत कायम हो जाए तो फिर तो वहां तो ऐसी तबाही मचाएंगे हम सुन्नी लोग के पूछो मत। कितने नमाजी होते हैं? 70-70 लाख होते हैं। समझ रहे हैं? और अगर ये दिन मैसर आ जाए ना शहरे रसूल में या मक्का शरीफ में हरमैन में सुन्नियों को हुकूमत मिल जाए, तो मैंने जो महसूस किया कि सुन्नी लोग और हमारे सुन्नियों की माए बहने औरतें जाली शरीफ में इतनी चूड़ियां धागा रिबन बांध देंगी, हाँ इतना बांध देंगी कि जाली का पता ही नहीं चलेगा। अजमेर में देखा नहीं? देखा, सारे दरवाजे में धागे बंधे, किसी में ताले बंधे हुए ताले। हाँ मतलब भाई साहब, ये ताला वाला क्यों बांध के आते मजारों पे? बोले मन्नत को बांधा है ताले, मन्नत को ताले बंद किया बुलंद दरवाजे पे, जिधर से जन्नत का जन्नती दरवाजे का गेट है उस तरफ देखिए, बाबे रहमत की तरफ देखिए, चारों तरफ खाजा साफियां दागा रिबन फीता चूड़ी। अच्छा खत भी लिख के आ रहे हैं, हाँ गरीब नवाज के नाम खत लिखते हैं, हजरत खाजा सरकार अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, मेरा बेटा बीमार है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, धंधा चौपट हो गया। ओ बंदे, ये चिल्लाना और पुकारना है तो खाजा के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, तू अपने महल्ले की मस्जिद में जा, तेरा सुकून यहाँ गारत हुआ है, खुदा की दहलीज से करम पे हाजरी दे, तेरे बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे, तेरा धंधा भी चलने लगेगा, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा कर देगा और जन्नत की बहारों का तुझे हकदार बना देगा। इतना तेल लगाया है जाली वाली में कि जो जाली किसी और कलर की थी उसका रंग ही बदल गया। अगर सुन्नियों को मौका मिल जाए जन्नत की क्यारी में, तो जानते हो एक एक मुजावर को सुन्नी खरीद लेगा। आपको कितना पैसा चाहिए ये ले लीजिए, हम यहीं बैठेंगे जन्नत क्यारी नमाज पढ़ने के लिए, दूसरे का नंबर नहीं।
जो लोग गए उमरा जिन्होंने किया है ना, जिन्होंने हज किया है उनसे पूछे, वो बताएंगे आपको कि हारवाई ने तैयबैन में हुजूर के आस्ताने करम पे जाने के बाद जब वहां पर आदमी जन्नत की क्यारी में जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का मौका दिया जाता है नमाज पढ़ने का। अगर कोई झूठे मतलब नियत बांध ले और टाइम उसका हो गया है तो जितने फौजी वहां के ना उसको नियत बांधे बांधे धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं, चले यहां से दूसरे को मौका दे। अगर दो रकात नमाज पढ़ने का अल्लाह मौका अता फरमा दे जन्नत की क्यारी में, ये बड़े बड़े मेराज की बात है। कोई जरूरी नहीं कि 50 रकात हम पढ़े वहां पर। अदब सीखिए, अदब एहतराम सीखिए, एक रहिए, नेक रहिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, इंसानियत के साथ जिंदगी गुजारिए, झूठ मत बोलिए, बेईमानी मत कीजिए, चुगली मत कीजिए, किसी की गीबत मत कीजिए, अपनी निगाहों को आवारा मत बनाइए, किसी के बहन बेटी की तरफ गलत निगाह मत उठाइए। ये इस्लाम के बुनियादी उसूल है। हम कहां खड़े? भूखों को खाना पहले खिलाओ। खैर मकदम, भूखों को खाना खिलाए, नंगों को कपड़ा पहना। जिंदगी तो कैसे भी गुजर जाएगी यार, बड़ी लिमिटेड जिंदगी। ज्यादा साल कितने हैं? अभी डालडा यूरिया की पैदावार 70-80 साल की सरहद नहीं पार कर पाती। इससे आगे कोई जाता समझ लो स्पेशली वीजा लेके अल्लाह के यहाँ से आया, 70-80 साल पहुंचते पहुंचते मुश्किल गिर ही जाती है, तो ये जिंदगी तो गुजर जाए, गुजर जाएगी। इस जिंदगी के लिए हराम खोरी, बेईमानी, चोरी चमारी खुदा के लिए बंद करो, मत करो ये सारे। कभी हमारा इंट्रोडक्शन ईमानदार की हैसियत से होता है। अभी दुनिया हमें मानती थी, हमारे मस्जिदों के गेट पर गैरों की भीड़ लगी थी, रहती थी कि मुसलमान नमाज पढ़ के निकलेगा, फूंक मार देगा तो हमारा बीमार बच्चा अच्छा हो जाएगा। आज नहीं दिखाई पड़ते, क्यों? उन्हें पता कि खुद ही बेईमान हो गया तो इसकी फूंक में दम कहां से आएगा। एक नंबर झूठा है। एक बुनियादी चीज, अपने बच्चों को मोबाइल से आजाद कर दो, अपने बच्चों के हाथ में कलम लो, कलम। इस कलम में इतना दम है कि इसकी कसम उठाई गई, नून वल कलम वमा यस्तुर। मोबाइल देकर के अपनी औलाद को बेराह मत बनाओ, एक ही फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम के अंगारे दहक रहे। आज 8 महीने का बच्चा, उसको भी मोबाइल पकड़ा देंगे ना तो वो भी मोबाइल की स्क्रीन पर ऐसे अपनी उंगली टच करता है, उसको आगे पीछे करना सीखता है। कल तक जो बच्चे 12, 14, 15 साल तक पहुंचने के बाद दुनिया क्या है ये जान नहीं पाते थे, आज 8 महीने का बच्चा, 10 महीने का बच्चा वो नाचना भी जानता है, एक्शन करना भी जानता है, टच स्क्रीन वाला मोबाइल चलाना भी जानता है, और धाड़े मार के रो रहा हो। माओ ने भी बहुत बेहतरीन तरीका अपना लिया। बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे हैं, वो झट से कार्टून खोल दिया, उसको दिखाती है, वो एकदम चुप हो जाता है, जो आंसू कतरा जहां तक तशरीफ लाया था वहीं टिक टूट जाता है। ये अल्लाह की बंदियां भी अच्छा जान ली, ये पकड़ा दो छुट्टी मिली अपनी जान को, अब 2 घंटा गप्पे लगाएंगे। एक घर में अगर 5 बंदे हैं ना और 5ों के पास मोबाइल है तो 5ों अलग अलग पगलाए बैठे हुए हैं, एक उसको ने, उसको ने। इसका मतलब हमने ये महसूस किया है जब मोबाइल लोग देख रहे होते हैं ना, सब अलग अलग बैठते हैं, अब कोई करीब जाना चाहे ना वो झट से कर लेता, इसका मतलब आप जुर्म कर रहे हैं, इसका मतलब आप बेहयाई के मनाज़िर देख रहे हैं, आप बेशर्मियों के मनाज़िर देख रहे हैं, आप नंगी औरतों की नंगे मर्दों की तस्वीरें देख रहे हैं। जिस मुआशरे में बेहयाई का प्रचलन इस ज्यादा हो जाए, इस तरह हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा, क्या उस मुआशरे के बच्चे और बच्चियों को पाक साफ रखने का कोई नुस्खा आपके पास है?
आज के 5 दिन पहले स्वीडन की जमीन पर एक मुल्क है, वहां पर एक खेल को, नए खेल को बाजाब्ता तौर पर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि अब ये खेल भी किया खेला जाएगा। जानते हो खेल क्या है? आज कितनी तारीख है? 6 तारीख, कल 7 लग गई, 8 तारीख को स्वीडन में वो खेल खेला जाने वाला है। स्टेडियम में जैसे WWE नहीं खेलते हैं, बीच में एक होगा मतलब मंच, उस मंच पर 150 जोड़े मादरजाद नंगे एक दूसरे के साथ हम बिस्तर होंगे और पूरा स्टेडियम भरा रहेगा उनकी इस बेहयाई का मंजर देखने के लिए। ये परसों खेल होने वाला है, ये 8 तारीख को, जून की 8 तारीख को स्वीडन में गवर्नमेंट ने बाजाब्ता इस कानून को पास किया, इस खेल को मंजूर किया है। जब मैंने इस खबर को पढ़ा तो मुझे हुजूर की हदीस याद आई, मेरे आका फरमाते हैं कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक मर्द और औरत ऐसे जुफ्ती ना करें जैसे गधे और जानवर। वो दिन आ गए मादर पितर आजाद होने की बुनियाद पर उन बच्चों की तादाद यूरोप में ज्यादा हो गई जिन्हें ये पता ही नहीं उनका बाप कौन है और उनकी माँ कौन है। आज के 32 साल पहले मैंने एक लेख पढ़ा था, अमेरिका में उस वक्त तक 68 लाख बच्चे वो थे जिनके माँ बाप का पता नहीं था, वो चिल्ड्रन हाउस में पढ़ रहे। बर्तानिया में भी 65 लाख, एक और मुल्क का पढ़ा था वहां 66 लाख थे। पूरे यूरोप में ये कंडीशन है कि रास्ता चलते हुए कोई किसी के साथ बदकारी कर सकता है, जिना कर सकता है, घंटा आधा घंटा 15 मिनट के लिए अपना रिश्ते जिंदगी इस्तवार कर सकता है, फिर दोनों अपने अपने रास्ते पे। जब वो बच्चे हरामी पैदा होते हैं उन्हें ले जाकर के चिल्ड्रन हाउस में रख देता कि अब हुकूमत पाले और परवरिश करे। मतलब ये कि वो वक्त भी देखा है दुनिया की निगाहों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। किस जुर्म की सजा उन बच्चों को दी गई है जिन्हें ये पता नहीं कि उनका बाप कौन है और उनकी माँ कौन है। आज वेस्टर्न कल्चर और वो जो वेस्टर्न कल्चर के मालिक है वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया इसी बेहयाई का शिकार हो जाए, इसी बेहयाई का शिकार हो जाए। चुनांचे हमारे प्यारे मुल्क भारत में भी इस बेहयाई ने अपने पैर जमा लिए हैं। अब ना हिंदू हिंदू रहा, ना मुसलमान मुसलमान रहा, दोनों इतने बेहया हो गए, इतने बेहया। और खासकर एयरपोर्ट पे जाइए तो लगता ही नहीं कि हम हिंदुस्तान किसी एयरपोर्ट पर। जितने पोश इलाके के रहने वाले लोग हैं, जो बड़ी हाई फाई फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, उनके लड़के उनकी लड़कियां उनकी औरतें इतने छोटे छोटे कपड़े पहन करके एयरपोर्ट पे घूमते हैं, एक शरीफ आदमी का सर शर्म से झुक जाए। पूरे एयरपोर्ट पर उनका बस चल जाए तो जो चिथड़े उन्होंने लगा रखे हैं ना ऊपर के हिस्से पे और नीचे, इसको भी निकाल कर फेंक दें। और ताज्जुब ये है उनके माँ और बाप की हया और गैरत सब मर गई है उनके भाइयों की। ये बेहयाई के मनाज़िर माँ और बाप के सामने देखे जाते हैं। मधुपुर और इस पूर्वोजवार के रहने वाले लोग, खुदा के लिए अपने बच्चों पे कंट्रोल, अपने बच्चों पे निगाह रखो, अपने स्कूल खोलो, अपने कॉलेज खोलो, अपनी यूनिवर्सिटी बनाओ, साल में एक जलसा करो और एक भी ना करो। मस्जिद के इमाम को पाबंद किया जाए वो मेहनत से तकरीर करे हफ्ते में एक नमाज पढ़ने गया मगरिब की, अक्सर नमाजियों को हमने देखा उन्हें नमाज ही नहीं पढ़ना आता, सजदे में दोनों टांगे ऐसे उठाए हेलीकॉप्टर बने। इमामों की जिम्मेदारी, इमामों की कदर की जाए, ढंग के इमाम रखे जाए, पढ़े लिखे, हाँ तनख्वाह ठीक दी जाए। हाँ हमारी कौम कोई भी अलमिया, अरे 5,000 ले लीजिए इमाम साहब, उसके बाद क्या करेंगे, तुम्हारी कब्र खोदेंगे। 5,000 में कोई मिलता चौकीदार नहीं मिलता चौकीदार। और याद रखें अगर आप ढंग की तनख्वाह नहीं देंगे तो जानते हैं इनकी आमदनी का तरीका क्या है, रास्ता क्या है, सोर्स ऑफ इनकम्स क्या है। कोई मर जाए तो फातिहा में पैसा मिलता है, उसको दफनाने में कफनाने में। अच्छा मुटका आदमी मरता ज्यादा पैसा मिलता है, तो ऐसे लोग रोज दुआ मांगे, या अल्लाह
आज माधोपुर का फला सेठ मर जाए तो अच्छा, तो फलनवा मर जाए तो उसकी बल्की मिल गया तो मजा आ जाए। जिस तरह कफन बेचने वाला दुआ मांगता लोग खूब मरे मरे कफन खूब बिके, कबर खोदने वाला दुआ मांगता अल्लाह खूब लोग मरे कबर खूब खोदू पैसा मिले। अभी लॉकडाउन में बड़े खुश थे बेचारे, हमने अपने मकराने के कब्रस्तान के कबर खुद्दू से पूछा क्या हाल, अरे कसम खुदा क्या मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत पैसे कमाए। कफन बेचने वाला बड़ा खुश था, तख्ता बेचने वाला बड़ा खुश था। तो भाई साहब तनख्वाह ठीक दो मौलाना साहब को, इमाम साहब को, वरना नियत मारने के बाद ये मार्केट में पहुंच जाएंगे। नियत की मैंने चार रकात फर्ज और ज़ुहर वास्ते अल्लाह के मुंह में रखा वजह पे अल्लाह अकबर, उसके बाद आपको खड़ा कर लिया ना अपने पीछे, या अल्लाह पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, या अल्लाह टमाटर 40 रुपए किलो, या अल्लाह सरसों का तेल भी 200 रुपए लीटर, या अल्लाह अरहर की दाल भी 200 रुपए किलो, या अल्लाह अल्लाह। तो कभी दो रकात को तीन पहुंचा देगा, कभी चार को दो इंसुल्ट आ देगा। ऐसे ढंग के इमाम रखो, ढंग की तनख्वाह दो, ताकि वो नियत बांधने के बाद मस्जिद ही में रहे, बाजार में ना जाए सब्जी वब्जी लेने के लिए, समझ रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था माओ बहनों के ताल्लुक से, आप लोग पर्दे का एहतमाम, कनीजा ने फातिमा पर्दे में रहा। अच्छा पर्दा, अच्छा ये भी अजीब कंडीशन है, कुछ लोग समझते हैं पीर से पर्दा नहीं होता, मर्दुदवा आता है ना, ऐसे पीरों देखा मर्दुदों को, खबीस कहीं का पीर, तो औरतें उसके पैर दबाती हैं। अरे गैरत मर गई घर वालों, ऐसी औरतों के शौहरों, ऐसी बच्चियों के बापों और भाइयों, तुम्हें डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी। कोई पीर वीर किसी के सामने जाने की जरूरत नहीं। मेरे आका इस्लाम की अहलिया सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन फरमाते अल्लाह की इज्जत कसम, मैंने कभी नहीं देखा कि इमामुल अंबिया का हाथ कभी किसी गैर महरम औरत के हाथ से टच हो। यहाँ आके बेटे टांग पसारे हैं पीर पीर साहब, एक औरत ये दबा रही है, ये दबा रही है, एक सर में तेल लगा रही है, इसका मतलब उस घर के मर्दों की गैरत मर गई, उनकी हया मर गई, जमीर मर गया है। खबरदार खबरदार, किसी भी पीर, छोटका पीर हो चाहे मोटका या बड़का पीर हो, किसी के सामने जाना हराम हराम अशद्य हराम। शेख फानी का मामला अलग है, उसकी बहस अलग, और किसी मजार पर जाने की इजाजत औरतों को नहीं है सरकार अलैहिस्सलाम के मजार के अलावा। अगर मजारों पे औरतें जाना बंद कर दें, अल्लाह कसम मजार का मेला बंद हो जाएगा, सारा मेला इन्हीं के लिए लगता है, इन्हीं के लिए लगता है। तो हमारे ये जलसे होते हैं, हजार हजार रुपए खर्च होते हैं, कहीं लाखों रुपए खर्च होते हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में एक इलाके में जलसा था, 4 लाख का सिर्फ टेंट बनवाया गया, शामियाना, 2 लाख की सजावट, कम से कम 7 या 8 लाख रुपए खाने पे खर्च किया गया, दावत आम, मुर्गा अलग, बकरा अलग, मछली अलग, वो टिक्का अलग, कबाब अलग, मर्दों का वीआईपी खाना अलग, फिर जनरल खाना अलग, औरतों का वीआईपी अलग, जनरल अलग, आम इंसानों के लिए अलग, गैर मुस्लिम भाइयों के लिए अलग, दावत आम। रिजल्ट क्या है उन जलसों का, रिजल्ट क्या हमारे जलसे? अगर इस जलसे के बाद कोई एक भी नमाजी ना बना, हमारे गला फाड़ने का कोई फायदा नहीं, रात भर जागरण करने का कोई फायदा नहीं। अगर एक बंदे ने भी एक बात पर अमल ना की तो मत करना जलसा, और मुझे बिल्कुल मत बुलाना, करना मत बुलाओ मौलाना। अगर तबीयत आपकी इस तरफ मायल होती कि दीन की बात हम सुने तो उस पर अमल करें, तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप जलसे मुख्तसर कीजिए, इन पैसों को बचाइए और उस कम कीजिए, फातिहा पे काम चला लीजिए, 2-5 रुपए की मिठाई लाकर उसी बुजुर्ग के नाम जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, उनके नाम की एक स्कूल बना,
एक कॉलेज बना दे, एक इंस्टीट्यूट बना दे, एक मदरसा बना, स्कूल बना, किसी गरीब और नादार बच्चे की साल भर की खुराकी बर्दाश्त करने का वादा करने, किसी एक मदरस की पूरे साल की तनख्वाह बर्दाश्त करने का वादा करने, उसी बुजुर्ग के नाम अल्लाह आपको सवाब देगा और इससे कौम की इस्लाह होगी, कौम के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और आपकी कौम का सर फख्र से ऊंचा होगा। दुनिया ने पढ़ा है इसलिए हुकूमत कर रहे हैं। ये किसी की लहर नहीं थी जो 8 साल से आई है, किसी की लहर ये 80 साल का मैक्सिमम वर्क है। बड़ी मेहनत से लोगों ने पढ़ा है, चौकीदार से लेके सदर जम्हूरिया की कुर्सी तक लोग बैठे हैं, पढ़ के बैठे हैं। हम आज यहाँ बिरयानी और शरबत, गुलाब जामुन, पुलाव, वो जरदा, यहाँ खाना, वो उर्स, उस बुजुर्ग का उर्स, हटीले बाबा का उर्स, सटीले बाबा का उर्स, पेड़वा वाले बाबा का उर्स, बेलवा वाले बाबा, अरे उर्स की कौन सा उर्स भाई साहब। इस जुनून से अपने आप को निकालिए, बाहर निकालिए। मर्दों तुम पे भी नमाज फर्ज है, माओ बहनों तुम पर भी नमाज फर्ज है। ये पर्सनल आपकी वो पूंजी है जो नॉमिनी को भी नहीं मिलेगी, उस वक्त आपके काम आएगी जब आपका बाप भी आपके काम नहीं आएगा। कब्र में रोशनी बन के ये आए, नूर बन करके, राहत का सांस लेने के लिए, आपकी दिलबस्तगी के लिए, हश्र के मैदान में पुलसरात पर ये नमाज आपके काम आएगी। इसलिए नमाजें पढ़ो, खाना छोड़ देना भले चलेगा, नमाज नहीं छोड़ना। और मुझे हैरत होती यार, नमाज पढ़े बगैर तुमको सुकून कैसे मिलता है। आखिरी सेंटेंस, अभी मौका है, पढ़ लो नमाज। कहीं ऐसा ना हो जब तुम पढ़ने की नीयत करो तो तुम पढ़ ना सको। अभी नमाज पढ़ने गए मस्जिद में तो एक कुर्सी थी जिस पे साहब बैठे हुए थे, वो बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। हरमैन तैयबैन में हजारों कुर्सियां हैं, देखने में आदमी बिल्कुल ठीक ठाक तो दिखता है, एकदम तंदुरुस्त हट्टा कट्टा, मगर जब वो आएगा ना रुकू कीजिए, गले में फांस लगा, इतना बड़ा पता नहीं क्या लगा रखा है, कमर में पट्टा, गले में पट्टा, अब ये झुकना चाह रहे हैं ना, अल्लाह ने इनके कमर की रग ऐसी खींच दी है ना, ये रुकू नहीं कर सकते, सजदा नहीं कर सकते। अभी ये दिन तो आपको नहीं आए हैं ना, प्यार से रुकू कर लो यार अपने परवरदिगार, प्यार से सजदा कर दो अपने परवरदिगार का। याद रखें, ये नमाजें आपकी बख्शिशों निजात का जरिया होगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारे जिन्होंने हमसे राब्ता कायम किया, एक नौजवान बच्चा है जिसका नाम रमजान अली, उसके पैर में कोई तकलीफ, अल्लाह उसको शिफाए कामिल अता फरमाए। जो जो बीमार है अल्लाह सबको शिफा दे, जो इंतकाल कर गए साहिब ईमान अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। एक रहिए, एक जुट रहिए, नेक बन के रहिए। हर शख्स कोशिश करे हमें अपने माहौल में, अपने महल में थोड़ा बदलाव लाना है। बस ये चंद गुजारिशात थी, थोड़ी कड़वी, थोड़ी नमकीन, थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, ये सब मिला करके बढ़िया से शरबत बना लीजिएगा और एक गिलास में पी जाइएगा, अल्लाह ने चाहा तो फायदा करेगा। استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لا اله الا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمه الله